नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के बारे में। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर और टॉप सेलिंग कार को आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या फीचर्स आपको ऑल्टो K10 के अंदर अभी ऑफर किए गए हैं। एक शोरूम प्राइसिंग की अगर हम इसकी बात करें तो 3,99,000 इसकी एक शोरूम प्राइसिंग कंपनी ने अभी यहाँ पर रखी गई है। तो अभी फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि आपको ऑल्टो K10 में कुछ ऐसी यहाँ पर दी गई है, टिपिकल जो मारुति की कार्स में की जाती है उसी तरीके की की आपको इसमें मिलती है। की में लॉक और अनलॉक के दो ही बटन आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। 3,99,000 एक शोरूम प्राइसिंग के साथ में ये गाड़ी आती है, बेसिक वेरिएंट इसका। आपको डिज़ाइन अगर आप देखेंगे सामने की तरफ से तो थोड़ा सा एक बल्कियर सा डिज़ाइन आपको अभी मिलेगा ऑल्टो K10 का। सामने की तरफ से कुछ ऐसी मतलब डिज़ाइन थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सामने आपको क्या मिलता है, हैलोजन में लाइट से, टर्न इंडिकेटर से, फॉग लैंप्स का सेटअप इसमें नहीं है क्योंकि एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस हैलोजन लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर करी गई है। हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल है आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल। सुजुकी की ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइपर से ऊपर वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, 3 जेट स्प्रे के साथ में ये आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्टांस आप देख लीजिए साइड की तरफ से कि कुछ ये है। टायर साइज़ की अगर हम इसमें बात करें ना तो एक तरीके से 13 इंच के स्टील रिम्स आपको यहाँ पर ऑफर करी गई है। प्लास्टिक में डिकल्स है और एक तरीके से जो सस्पेंशन का ट्रैवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक तरीके से ट्रैवल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आते हैं। सेफ्टी के अंदर एक तरीके से काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स आपको ऑल्टो K10 के अंदर ऑफर करे गए हैं, जैसे कि ABS विथ EBD, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक यानी कि स्पीड को सेंस करके गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक का भी सिस्टम है, यानी कि गाड़ी अगर कहीं पर इम्पैक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली डोर जो है अनलॉक हो जाएंगे इसके, और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स है। और टोटल आपको ना इसमें 2 एयरबैग्स ऑफर करी गई है। बाकी बैक का प्रोफाइल ये कुछ है पूरा। अगर हम इसमें फ्यूल टैंक की बात करें तो 27 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इसमें ऑफर कराया गया है। ये अंदर से ही खुलेगा, बाहर से नहीं खोल सकते आप इसे। आप पीछे की तरफ से एक लुक देख लीजिए, एक तरीके से काफ़ी ऊंची लगती है गाड़ी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लाइट भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में काफ़ी अच्छी स्पेस है, और पार्सल ट्रे आपके पास में, फोल्डेबल सीट्स है, ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में कि फोल्ड भी आप इन सीट्स को कर सकते हो। पेयरविल आप यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं, फुल साइज़ पेयरविल आपको इसमें जो कुछ है दिया हुआ है। आइए भी बूट को क्लोज कर देते हैं। और पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, इनबिल्ट पार्किंग सेंसर्स इसमें दिए गए, मतलब कंपनी की तरफ से आते हैं, आपको बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल ये कुछ अभी आप देख पा रहे हैं, ये कुछ साइड प्रोफाइल है। और अगर हम इसमें पीछे की सीट्स पर आपको लेके चलें तो अभी जो ऑल्टो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस आपको लगने वाली है, क्योंकि इसका जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सही आपको लगेगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो 2 हेडरेस्ट है, फिक्स हेडरेस्ट आते हैं पीछे के पैसेंजर्स के लिए। एक तरीके से इनग्रेस आउटग्रेस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सही है, गाड़ी ऊँची है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आपको मैन्युअली आप यहाँ से विंडो ऊपर या नीचे करने के कंट्रोल से, लेकिन ड्राइवर और पैसेंजर के लिए पावर विंडोज़ यहाँ पर ऑफर करी गई है। स्पीकर्स के प्लेसमेंट है नीचे, इसमें ना 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, 4 स्पीकर्स का म्यूज़िक सिस्टम है। अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है, सीट जो है मैंने अपने हिसाब से सेट की है तो स्पेस भी एक तरीके से काफ़ी अच्छी यहाँ पर ऑफर आपको करी गई है। आइए ड्राइवर साइड डोर इसका खोल कर देखते हैं। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर क्या कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, यहाँ से आप मिरर्स को ऊपर या नीचे, मतलब ये जो कंट्रोल है इससे कर सकते हो। नीचे ग्लास होल्डर्स के लिए आपको जगह मिलती है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट है। सीट्स का डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो ये कुछ सीट्स है, फैब्रिक सीट्स इसमें दी गई है। रिक्लाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्यूल लिड खोलने का ओपनर है और पीछे का बूट खोलने का ओपनर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ से आप हेडलाइट्स की जो लेवल होती है ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करने पर जो है ना कुछ ऐसा मतलब सिस्टम का जो लेआउट है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ हॉर्न है, कुछ ऐसी हॉर्न है, और यहाँ पर सभी म्यूज़िक सिस्टम के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। म्यूज़िक सिस्टम को आप यहाँ पर इससे कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आएंगे तो फ़ोन उठाने के काटने के कंट्रोल से, वॉइस कमांड के कंट्रोल से, इस तरफ ये वाइपर्स के रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, और इस तरफ ये हेडलाइट्स के रिलेटेड सभी कंट्रोल्स से। अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो फुल्ली डिजिटल में आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को यहाँ पर दिया हुआ है, फुली डिजिटल में आता है। RPM ये शो नहीं करेगा यहाँ पर, लेकिन आपको डिजिटली स्पीड बताएगा, फ्यूल के बारे में बताएगा कितना फ्यूल बचा है, इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक जा सकती है, ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज रेंज वगैरह सब कुछ आपको ये इसके अंदर शो करेगा। म्यूजिक सिस्टम अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें ना आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ की भी आपको इसमें कनेक्टिविटी जो कुछ है मिल जाएगी।
ये एक अच्छी चीज़ इसके बारे में। डिस्प्ले के रिलेटेड सेटिंग्स से काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर जो कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। और नीचे आएंगे तो हेजर लाइट्स के कंट्रोल से पावर नोज के कंट्रोल आपको यहाँ पर ये मिलते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। नीचे आएंगे तो एसी के रिलेटेड आपको सभी कंट्रोल्स मिलते हैं, एसी को आप यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। नीचे आएंगे तो 12V का आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है, USB और ऑक्स का मतलब कनेक्टिविटी भी आपके पास में। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस है, ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सी कुछ आपको स्पेस मिल जाती है। ग्लो बॉक्स है जिसमें थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखने के लिए। इसी के वेंट से यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ये कुछ सभी लाइट्स के रिलेटेड कंट्रोल्स है। पैसेंजर साइड वैनिटी है और ये कुछ ड्राइवर साइड वैनिटी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। आइए अभी ना बाहर की तरफ चलते हैं और इंजन वे मैं आपको इसका अभी ना दिखा देता हूँ। गाड़ी को बंद कर देते हैं ताकि आप इंजन अच्छी तरीके से देख पाएँ। आइए फ्रंट का बोनेट जो है इसका खोल कर अभी देखते हैं। आपको ना इसमें एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर 3 सिलेंडर K10 सीरीज़ का पेट्रोल इंजन जो कि 65 HP की पावर बनाता है, 24 KMPL का माइलेज जो है कंपनी इसके ऊपर ऑफर करती है। बाकी ये कुछ पूरा लेआउट है इंजन का। बाकी आइए बोनेट अभी इसका क्लोज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों चला कर देखते हैं ऑल्टो K10 को कि चलाने के मामले में कैसी है। हमारे पास अभी मैनुअल ट्रांसमिशन है तो मैनुअल को आज चलाते हैं, जब ऑटोमेटिक चलाने का मौका मिलेगा तब उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए एक्सपीरियंस करते हैं ऑल्टो K10 को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गाड़ी की अंदर की मतलब जब आप बैठते हो कि कैबिन कैसी है, कि ओवरऑल जो मतलब विजिबिलिटी वगैरह आपको कैसी मिलती है। तो जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना तो काफ़ी खुली खुली सी गाड़ी आपको महसूस होती है और एक तरीके से अच्छी सी कमांडिंग पोजीशन पर आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये एक चीज़ मुझे इसके बारे में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ओवरऑल अगर एर्गोनॉमिक वाइज भी अगर बात करें तो सभी बटन्स वगैरह आपके रीच में रहते हैं, चाहे वो मिरर्स के कंट्रोल हो फिर एसी के कंट्रोल हो, वो सभी आपके रीच में रहते हैं। और एक तरीके से आपकी जो सीटिंग की हाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको मिलती है। अब बात करते हैं कि गाड़ी में पावर वगैरह कितनी आपको मिलती है। तो इसमें 1 लीटर K10 सीरीज़ का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया हुआ है जो कि 65 PS की पावर बनाता है। कंपनी अभी तो इसके ऊपर 24 KMPL का माइलेज अभी क्लेम कर रही है। माइलेज टेस्ट जब करेंगे तब आपको मतलब ऑन ग्राउंड पता चलेगा कि यार गाड़ी का एक्चुअल माइलेज कितना है। तो 65 PS की पावर है, बेहतरीन पावर फिगर्स के साथ में गाड़ी आती है। आपको कभी भी मतलब ऐसे लैग फील नहीं होगा या फिर अंडर पावर ऐसी कुछ महसूस नहीं होती है। एक तरीके से ना फैमिली के लिए काफ़ी सही ये कार है। जिस प्राइस पॉइंट पे आती है 3,99,000 एक शोरूम प्राइस इसकी बेसिक वेरिएंट की मतलब शुरू होती है। ये एक अच्छी चीज़ है ऑल्टो के बारे में। ऑल्टो मतलब या आपको तो पता ही है कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कार है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है, चाहे आप पिछले भी इसके रिकॉर्ड देखेंगे। और अभी जो मारुति ने इसमें अपडेट दिया है ना, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है अभी मतलब एक तरीके से मॉडर्न डिज़ाइन में आपको ये मिलती है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगती है मेरे को। एक तरीके से गियर शिफ्ट ना आपको थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा है गियर का, जब आप मतलब ऐसे करते हो ना तो इसका ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन स्मूथ सी फीलिंग आपको मिलेगी। ऐसे क्या कहते हैं उसे, रबरी सी फील आपको थोड़ी सी मिलेगी इसमें। तो ये एक चीज़ इसके बारे में। अभी ना गाड़ी को थोड़ा सा ओवर स्पीड हम करके देखते कि स्टेबिलिटी वगैरह कैसी रहती है गाड़ी की। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, आपको स्पीड बढ़ा के ये दिखाते हैं। अभी 80 की स्पीड पर है गाड़ी और जैसे आप 80 की स्पीड पर जाओगे ना तो ये आपको एक मतलब वो वार्निंग भी देती है कि 80 की स्पीड अभी आपने पार कर ली है। तो अभी थोड़ा सा एक और स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। और एक तरीके से 100 के आसपास ही है हम अभी। और स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं गाड़ी की, एक तरीके से मतलब कॉन्फिडेंस रहता है आपको जब भी आप इसे ब्रेकिंग करेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर इसमें CNG का भी अगर ऑप्शन आ जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा लोगों के लिए, जो एक बजट सेगमेंट की कार है तो उसकी वजह से अगर वो भी आ जाता है जल्दी मार्केट में तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी सही रहेगा। तो यही सब कुछ था दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।